Hello students, good morning to all. Welcome to my class in standard 3 English 2. तो English grammar में हमने last video में new chapter है, chapter number 8 है, the pronoun and kinds of pronoun. Last video में हमने start किया था, okay? So उसी को हम continue करते हैं. Chapter 8 the pronoun and kinds of pronoun part 2. So in the part 1 video we learned What is the pronoun? Okay, तो pronoun क्या है? तो pronoun is a word that is used instead of a noun. Okay, noun के बदले use होने वाले words को हम pronouns बोलते हैं. और pronouns के kinds जो हमें यहाँ पे learn करने हैं chapter में कितने kinds learn करने हैं? Four kinds of pronouns learn करने हैं. Which are they? So they are, first is personal pronouns, second is demonstrative pronouns, third is reflexive pronoun and fourth is interrogative pronouns. तो ये जो सभी pronouns हैं वो हमने learn करने हैं इस chapter में. तो last में हमने तो जो first kind है personal pronouns उसके बारे में हम learn कर रहे हैं. ठीक है, तो personal पर्सन्स या थिंग्स के नेम के बदले हम यूज करेंगे उससे आप पर्सनल प्रोनाउंस है वो पर्सन्स के नेम्स के लिए यूज होंगे, है ना. अब पर्सनल प्रोनाउंस भी कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस. ओके, अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है उसके हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे. तो फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हमने देखे थे, बी ए में हमने फर्स्ट पर्सन के, फिर बी में हमने सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल्स से वो देखे थे. अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस. ओके, फर्स्ट पर्सन क्या है? तो जो पर्सन है हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो जो स्पीकिंग कर रहा है कोई भी पर्सन हो या पर्सन्स हो, इससे ज्यादा हो, जो बोल रहा हो, स्पीकिंग कर रहा हो, वो हो गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस. अब जिसको हम बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो जिसको बोल रहा है वो होगा सेकंड पर्सन. ओके, मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या हूँ मैं? फर्स्ट पर्सन. आप सुन रहे हो, मैं किसको बोल रही हूँ? आप सभी को बोल रही हूँ, तो आप हुए सेकंड पर्सन. और थर्ड पर्सन मीन्स मैं बोल रही हूँ तो मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, है ना. तो मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ वो हो गए थर्ड पर्सन. ओके, तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग प्रोनाउंस यूज हो गए हैं. और देखना है कि नाउन है वो कौन से प्लेस पे है, मीन्स के सब्जेक्ट के प्लेस में है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में. तो सब्जेक्ट के लिए भी अलग प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस के लिए भी अलग प्रोनाउन होगा. ओके, अब हम एग्जाम्पल है वो कंटिन्यू करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के. सी में आएगा ही इज अ ब्रेव बॉय. Okay.
किसके बारे में बात कर रही है? बॉय के बारे में बात कर रही है ना। तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ओके, टेल हिम नॉट टू गो देयर। ओके, तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया ही। अब सी कैन सिंग वेल, यहाँ पे सी के बारे में बात हो रही है, कोई गर्ल के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ पे कोई एक बॉय के बारे में, वो बॉय है, वो ब्रेव बॉय है। ओके, तो जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हो, मैं बोल रहे हूँ, आप सुन रहे हो, हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हो, वो होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। ओके, तो सी कैन सिंग वेल, यहाँ पे सी है वो कोई गर्ल के लिए यूज हुआ है, कोई एक गर्ल के लिए। ओके, किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है, इसलिए ही और सी दोनों
The pronouns I, me, we, us.
किसको बोल रही हूँ? आप सभी को बोल रही हूँ, इसीलिए आप हुए सेकंड पर्सन। ओके, तो उसके लिए आपके लिए मैं क्या यूज करूंगी? यू यूज करूंगी। ओके, तो इसको रिफर करते हैं स्पोकन टू, जिसको बोला जा रहा है वो, या तो फिर जो सुन रहे हैं। ओके, वो तो दिया से तो भी प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, तो उसको हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस से वो कह सकते हैं। ओके, तो आपको याद करते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से है? यू, योर, ये सभी सेकंड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन है आई, मी, वी, अस, ये है वो फर्स्ट पर्सन के। यू और योर है वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन।
तो क्या आएगा? ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम